जब जब बात होगी भारत के सपूतों की भारत के रिवोल्यूशनरीज की जब जब बात होगी भारत के शहीदों की बहुत ऐसे नाम होंगे जो अनगिनत समय तक याद रखे जाएंगे ये वो चमकते सितारे हैं जिनके बिना भारत का आसमा सदैव अधूरा है और उन्हें याद रखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं वेलकम टू अन सरकारी आए विकास भारद्वाज और आज हम बात कर रहे हैं सचिंद्र सान्याल की जिनका नाम सुनकर एक डीप रेवरेंस एक डीप सेंस ऑफ एप्रिशिएशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ही हमारे जहन में उभर आता है दे आर द पीपल हु आर द एक्चुअल मेंटर्स ऑफ प्रेजेंट दे आर द वन हु हैव बीन द गाइडिंग लाइट सो एज टू मेक श्योर दैट द सोल ऑफ मदर इंडिया इज फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल सचिन सान्याल एक फ्रीडम फाइटर और रिवोल्यूशनरी थे तो क्या यह कहना काफी होगा वो रिवोल्यूशनरी थे वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे या वो एक मिस गाइडेड यूथ थे या उनकी एक्टिविटीज को मास सपोर्ट नहीं था आखिर क्या जरूरत है उनके बारे में बात करने की लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी पहचान को देखिए और आप पाएंगे कि उनकी आंखों में और उनकी सोच में एक गहरा जोश था वो हिंदू संस्कृति और सिविलाइजेशन के आइडिया से लेकर मॉडर्न आइडियाज़ हर चीज को साथ लेकर चल रहे थे। क्लियर इन वी आर भविष्य का भारत ब्रिटिश की आधारशिला पर नहीं बनेगा देवर ऑफ व्यू दैट इंडिया मस्ट बी फ्री एंड लिबरेटेड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एंड इट मस्ट बी डन विद ऑल फाइट एंड माइट फाउंडेड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रिपब्लिकन वर्ड यहां पर सिग्निफाई करता है कि दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ को ऑपरेटिव दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वेलिटी दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ फ्री फ्रॉम एक्सप्लेटेशन ऑफ ऑल सेक्शन इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर बिलीव इन द आइडिया दैट द फ्यूचर इंडिया मस्ट बी करप्री देव इन दूचर इंडिया मस्ट नॉट गिवे पोलिटिकल हमने उनकी बात को खरा साबित किया है यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज ए मैनिफेस्टो वॉज एन आइडिया जिसमें रिवोल्यूशन की परिभाषा को नया आयाम दिया गया था वॉज one of the mentors to chandrashekhar azad and also bhagat singh and that is how long before hra long before hra pehle, in 1913 only that is during the period of the first world war and around it he founded anushilan samiti because he was greatly influenced in propagating ideas of gadar movement ha wahi gadar jiska headquarters san francisco mein Vahigadar gadar headquarters ko yugantar ashram अंडरग्राउंड आफ्टर इट वाज एक्सपोज्ड इन 1915 डर के मारे नहीं सो एज टू कॉम्बैट ब्रिटिश इन ऑल मैनर्स एंड ऑल वेज्रेट फाइटर एंड अट क्वेश्चन बोस वही राज बिहारी बोस जो आगे चलकर आई एन की आधारशिला और उससे जुड़ी बातों को निभाते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल वॉज ऑफ द बिलीव द एंशियंट इंडियन आइडियल Including the concept of Rashtra, including the concept of large armies of our ancient rulers, including Samudragupta and Chandragupta Maurya, it is the inspiration for us. He wrote Bandi Jeevan in Cellular jail in Andaman Nicobar, Haan, cellular jail jisko Kala Pani kehte he spent 12 years over there and then never asked for mercy petition even once. He was the one of the rarest.

Why he believed that the ideas of Mezzini are true for India? He believed the fact that India Mange Khun. He believed that the youth will be inspired when some right-minded people are going to sacrifice their lives for it. That is why, as I already explained to you, that he was author of Manifesto, the Revolutionary. If you really like my idea and if you are finding it meaningful, kindly subscribe our channel right now and also press thumb सी कांडी ब्रिटिश की भाषा में कॉन्स्परेसी कहा जाएगा हमारी भाषा में वो कोई कॉन्स्पेरे नहीं थी अपना पैसा अपने प्रयोग के लिए लेना कोई कॉन्स्पेरेसी नहीं है बट देन ब्रिटिश आर गोइंग टू ब्लेम एंड क्रिएट लूटिंग ऑफ ट्रेजरी For nationalistic purposes, including literature and arms, as Kakori conspiracy, Kakori, a place in Uttar Pradesh. It became very famous, and that is how Sachinath Sanyal was among those revolutionaries who was sentenced to Kalapani, or as I said, Jain in and Kubar. Such was his grace, such was the aura that C.R. Das persuaded revolutionaries and gandhiji to have talks in 1920s. that is why revolutionaries also stopped revolutionary activities during non-cooperation movement and they were greatly disappointed when gandhiji went on to withdraw non-cooperation movement after chori chora kant in 1922. that is how he got engaged with gandhiji in famous debates which were published in young india in 1922-24. kudos to gandhiji also. कि उन्होंने कम से कम कोई भी बात पे पर्दा नहीं रखा वो एग्री नहीं करते थे ही बिलीव दैट दीज आर ओनली रोमांटिक वायलेंट आइडियाज जबकि सचिनदास सान्याल का कहना था कि रिवोल्यूशन इज द की टू फ्रीडम गांधी जी बिलीव्ड रिवोल्यूशन तो करोगे लेकिन मासिस का सपोर्ट कहाँ है सान्याल दा और वी कैन से सचिन दा का कहना था मासिस को रिवोल्यूशन की जरूरत है मासिज रिवोल्ट कर सकें मासिज रिवोल्यूशन की वैल्यू पहचान सकें इसीलिए हमारा रिवोल्ट करना बहुत जरूरी है लाजपत राय -e revolution or revolutionaries के बिना प्रकृति का आगे बढ़ना नामुमकिन है Nature can only move With the great sacrifices of revolutionaries, so we can say that he trained in a way. Bhagat Singh also, whom we call Shahid-e-Azam, Sanyal was believer in the socialist ideas, was believer in the ideas of equality, was believer in the idea that India must get freedom. It is it is economic freedom, it is political freedom, it is even social freedom.

Thank you very much. Study smart, study diligent because there is no shortcut.